हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ASP। दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2023। आज के दिन कमोडिटी मार्केट में क्या होने जा रहा है, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में हमें क्या करके चलना है, बाइंग करके चलना है या सेलिंग करके चलना है। फेड के रेट अनाउंस होने के बाद कल गोल्ड सिल्वर में हमें अच्छी गिरावट देखने को मिली। वही ट्रेंड अब आज के दिन रहेगा या गोल्ड सिल्वर यहाँ से रिकवर होगा? तो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। दोस्तों, चलिए सुनते हैं कि गोल्ड में हमें आज क्या करना है। जी, गोल्ड में हो क्या रहा है सर? कल आप देखिए गिरावट आ गई, आज मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है। कल कुछ आंकड़े आए ड्यूरेबल गुड्स के US में और जॉबलेस क्लेम के, उसके बाद मार्केट ने तेज गिरावट दिखाई, आज मार्केट संभल रहा है। क्या करना चाहिए गोल्ड? जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा कि गोल्ड में अच्छी बढ़त देखने मिली थी। निचले स्तरों से $1940-50 से $1980 तक की पुल बैक रैली देखने मिली थी। डॉलर इंडेक्स में अच्छी वोलेटिलिटी देखने मिल रही है। US के आंकड़े थोड़े से पॉजिटिव बायस की तरफ आ रहे हैं और उसका GDP डेटा भी यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आने लग गई है, जिसके चलते गोल्ड में आने वाले समय में नरमी देखने मिल सकती है। मैं पहले भी आपके शो के माध्यम से कहा है कि 2000 के ऊपर गोल्ड टिकना और वहां से सस्टेनेबल रैली करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और फिलहाल भी यही स्टांस मेंटेन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि जब 1970-80 के आसपास मिले आप सेल करके चलना चाहे। डोमेस्टिक टर्म में अगर मैं एक दो दिन की बात करूं तो 59,200-250 के आसपास, यानी यहाँ से 100-150 रुपये ऊपर मिले तो आप सेलिंग की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 59,500 का स्टॉप लगाइए एंड वापस आपको 58,500-58,700 तक के स्टॉप देखने मिलते हैं। ओके, आपका व्यू पटनायक जी गोल्ड के ऊपर? क्लियर व्यू ही है। आई थिंक दो मेजर चेंजेस है आपको समझना पड़ेगा। पहला है कि जो रिसेशन का फियर था वो कहीं डिसअपीयर होता गया है, और दूसरा फेड ने बहुत क्लियरली बोला था कि आगे की रेट डिसीजन डिपेंड करेगा कि डेटा कैसे आता है, और डेटा बहुत पॉजिटिव आया है। ये दोनों चीज गोल्ड के लिए थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो ऑन द हायर साइड से अपने को सेल करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहाँ से हम लोग गोल्ड बेच सकते हैं 59,300 के आसपास के लेवल से, एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 59,650 का एंड टारगेट प्राइस रहेगा 59,000 का। अच्छा जी, ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं सिल्वर और क्रूड ऑयल में हमें क्या करना है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सिल्वर अभी चल रहा है 73,728, जो भी कल इसमें सडनली हमें 1500-1600 पॉइंट की गिरावट हमें सिल्वर में देखने को मिली। आज सिल्वर के लिए मेरा पर्सनली टारगेट रहेगा, अगर अभी तो मैं कुछ ट्रेडिंग के लिए आपको अप्रोच नहीं करूँगा, अगर सिल्वर शाम को 6 बजे के आसपास अगर आपको रेड शेयर में जाते हुए दिख रहा है, अगर शाम के 6 बजे के आसपास 6 बजे आपको अगर सिल्वर अपने आज के कल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे जाता है तो आपको सेल करके चलना है, अदरवाइज आपको सेल करना नहीं है। तो मेरा तो टारगेट है, अब मैं यहाँ पर 73,730 मैं आपको 73,700 या 73,650 पर मैं एक लॉट सेल करने के लिए देखूँगा। क्रूड ऑयल अभी फ़िलहाल तो सिल्वर का रेट चल रहा है 73,730, क्रूड ऑयल चल रहा है 6,573, 11 पॉइंट की बढ़त। क्रूड ऑयल अभी थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हमें थोड़ा सा दे रहा है, और अभी 11 पॉइंट की बढ़त हमें यहाँ पर क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है। ग्राफ देखिए तो निचले स्तरों से ये थोड़ा रिकवर होते हुए दिख रहा है, 6,540 से ये उतरा तो अभी लगभग 35 पॉइंट की बढ़त हमें क्रूड ऑयल में सुबह से हमें देखने को मिल रही है। आगे चल के हमें ये बढ़त दिख सकती है, अदरवाइज कुछ निगेटिव न्यूज़ कुछ निगेटिव आए तो वापस ये रेड शेयर में जा सकता है। गोल्ड के लिए भी मेरी यही स्ट्रैटेजी होगी, शाम के 6 बजे के आसपास, अगर 6 बजे के आसपास आपका गोल्ड अगर रेड शेयर में दिख रहा है तो आपको सेल करना है, अदरवाइज आपको सेल करना नहीं है। और अगर शाम के 7:30 बजे आपको अगर वो ग्रीन शेड में दिख रहा है, मतलब आज कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर दिख रहा है, तो आपको वो बाय करके चलना है। ये दो स्ट्रैटेजी है, आप यूज़ करके देख सकते हो
दोस्तों ये थी आज के लिए कमोडिटी मार्केट के लाइव अपडेट, जो कि मैं आपको गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में क्या करना है और एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने दी है। ट्रेड लेना है आपके खुद के एनालिसिस से लीजिए, मैंने सिर्फ मेरा व्यू आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि मैं आपको शेयर मार्केट